हालात आज भी वैसे ही है जैसे बिरसा मुंडा के वक्त थे। आदिवासी खदेड़े जा रहे हैं, दिक्कत अब भी है। जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदारों के नहीं थे और ना ही अब है। सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, बेचारा दिन बंदी। 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया था, किंतु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की बहुत सी धाराओं मुंडा पकड़ा गया, लेकिन बिरसा जानता था उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडाओं को भगवान मर चुका था। हेलो दोस्तों, आदिवासी मिस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, उनके जीवन गाथा और उनके उद्गान जमीनी संघर्ष के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में उलीहती गांव में, जो रांची में पड़ता है, में हुआ था। सालका गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने आया। सुगना मुंडा और कर्मी हाथों के पुत्र बिरसा मुंडा के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बचपन से ही विद्रोह था। बचपन में मुंडा एक बेहद चंचल बालक थे। अंग्रेजों के बीच रहते हुए वह बड़े हुए। बचपन का अधिकतर समय उन्होंने अखाड़े में बिताया। हालांकि गरीबी की वजह से उन्हें रोजगार के लिए समय समय पर अपना घर बदलना पड़ा। इसी भूख की दौड़ ने ही उन्हें स्कूल की राह दिखाई। उन्हें चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आदिवासी हेजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते। बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक हेजा से कैसे लड़ा जाता है। बिरसा धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे। धीरे धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आज की तरह ही आदिवासियों का जीवन तब भी अभावों से भरा हुआ था। न खाने को भात था, न पहनने को कपड़े। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ने उनके जंगल छीन लेते। जो जंगल के दावेदार थे वही जंगलों से बेदखल कर दिए गए। यह देख बिरसा ने हथियार उठा लिए, उल्गनान शुरू हो गया था। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही। पाखंडी झाड़ फूक करने वालों की दुकानदारी भी ठप हो गई। यह सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। उन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें प्रारंभ की। यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को संसद में डाल दिया। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों का आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना। चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। झारखंड में अंग्रेजों के आने से पहले झारखंडियों का राज था, लेकिन अंग्रेजी शासन लागू होने के बाद झारखंड के आदिवासियों को अपनी स्वतंत्र और स्वायत्तता का खतरा महसूस होने लगा। आदिवासी सैकड़ों सालों से जल, जंगल और जमीन के सहारे खुली हवा में अपना जीवन जीते रहे। आदिवासी समुदाय के बारे में ये माना जाता है कि वो दूसरे समुदाय की अपेक्षा अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों को लेकर ज़्यादा संवेदनशील रहा है। इसलिए वो बाकी चीज़ों को खोने की कीमत पर भी आज़ादी के एहसास को बचाने के लिए लड़ता और संघर्ष करता रहा है। अंग्रेजों ने जब आदिवासी से उनके जल, जंगल, जमीन को छीनने की कोशिश की तो उल्गनान यानी आंदोलन हुआ। इस उल्गनान का ऐलान करने वाले बिरसा मुंडा ही थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों अपनों देश वापस जाओ का नारा देकर उल्गनान का ठीक वैसे ही नेतृत्व किया जैसे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई के दूसरे नायकों ने इसी तरह के नारे देकर देशवासियों के भीतर जोश पैदा कर दिया। खास बात यह मानी जाती है कि बिरसा मुंडा से पहले जितने भी विद्रोह हुए और जमीन बचाने के लिए हुए, लेकिन बिरसा मुंडा ने 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उल्गनान किया। पहला, वह जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे।
दूसरा नारी की रक्षा करना और सुरक्षा, और तीसरा वे अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। 1894 में सभी मुंडाओं को संगठित कर बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया। 1895 में गिरफ्तार कर हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। 2 साल बाद बिरसा जेल से बाहर आए तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि विद्रोह के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता कानूनों की आड़ में आदिवासियों को घेर रही है। उनसे किसी राहत की मांग करना फिजूल है। इतिहास गवाह है कि 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। 1897 में बिरसा और उनके 400 साथियों ने तीर कमानों से खुटी थाने पर धावा बोला। जंगलों में तीर और कमान उनके सबसे कारगर हथियार रहे हैं। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़त अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई। बाद में उस इलाके से बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में दम्बाड़ी पहाड़ पर एक संघर्ष हुआ था, जिसे बहुत से बच्चे और औरतें भी मारे गए। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बिरसा के जेल से आने के बाद अंग्रेजी सरकार ने समझ लिया कि बिरसा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें घेरने की हर संभव कोशिश भी बेकार साबित हो रही थी। अंग्रेजी सरकार ने यह रणनीति बनाई कि कई तरह के अभावों से जूझ रहे आदिवासियों के बीच उस व्यक्ति की खोज की जाए जो कि सबसे कमजोर हो और जो उनके लालच में आसानी से आ सके। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हार नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहां 500 रुपए ने काम कर दिया। बिरसा ही जाति के लोगों ने पकड़वा दिया। संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास दुम्बारी पहाड़ी पर हुई। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों को सामना करते, लोग बहरम ही से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। 4 फरवरी 1900 को जराई किला के रुखता गांव के 7 मुंडाओं ने 500 रुपए के इनाम के लालच में सोते हुए बिरसा को खाट सहित बांधकर बन गांव लाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। अदालत में बिरसा पर झूठा मुकदमा चला, उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहां उन्हें अंग्रेजों ने धीमा जहर दिया, जिससे 9 जून 1900 को बिरसा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, क्योंकि बिरसा की मौत की बजाय हत्या की खबर फैलती तो आदिवासियों के गुस्से को रोक पाना असंभव हो जाता। बिरसा, तुम्हें कहीं से भी आना होगा, घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी, यहाँ वहाँ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बाढ़ जो होते, बिरसा तुम्हें आना होगा, बिरसा तुम्हें आना होगा। 1700 के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों से लिखवाया। एक छोटी सी आवाज को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस दम उस आवाज को उठाने वाले में होना चाहिए। और इसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने बिहार और झारखंड के विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम रोल निभाया। दोस्तों, बिरसा की शहादत को आज 119 साल हो गए, लेकिन अब भी बिरसा को उनकी शहादत की वो जगह नहीं मिली जो अन्य क्रांतिकारियों को बहुत कम समय में मिल गई। इसकी एक वजह शायद उनका आदिवासी होना भी है, जबकि आदिवासी ही समाज का मूल मालिक है, लेकिन आज भी अपनी ताकत को पहचान नहीं पाया है। जिस दिन आदिवासी जाग गया, इतिहास पलट देगा। बिरसा की इस अलग को हमें जन जन तक पहुंचाना है, और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस वीर गाथा को हर आदिवासी अपने सगा जानों को शेयर करे। आदिवासी मिष्ट परिवार की ओर से वीर बिरसा मुंडा को सत सत नमन। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय जोहार।